एक भी बंदा वॉल से आया नहीं, सब राइट से जा रहे हैं, आ रहे हैं तुम से, सब राइट से जा रहे हैं। दिक्कत तो मारूंगा क्योंकि हम लोग इधर ही देख सकते हैं, ये गैप में ही देख सकते हैं, राइट की तरफ देख ही नहीं सकता हमारा कोई भी बंदा। बाकी तेरा देख जाएगा, मेरे पे आ रहे तो ब्रो ना लेफ्ट से मेरे को, ठीक है। मैं नहीं दे रहा, मैं मार ही नहीं रहा हूं, तुम अपने भरोसे हो। नहीं मैं मारूंगा ही नहीं, चूते है क्या, लेफ्ट से मारे, मैं नहीं मारूंगा उसको, मेरे को कंफर्म करना है इनके पास ईएसपी है कि नहीं। अरे भाई ऐसे थोड़ी ना पता चलेगा, ऐसे ही पता चलेगा भैया, एग्जिट मारेगा तो पता चलेगा ना। देखो अभी यहाँ पे एग्जी हिलता है, देखो थोड़ा बहुत हिला, एग्जी मारेगा तो पता चलेगा, यहाँ पे हिलता है थोड़ा बहुत, वो हिल रहा है एग्जी, देख ठीक है। तो मैंने एग्जी का देखा ही नहीं, जो हिल गया भाई, हिल गया ना, मैं बोल रहा हूँ स्मोकी घर में चला जा, मैं कवर नहीं दे पाऊंगा तेरे पे, आया पड़ा पीछे। लाग भर बना गया था, हिलना नहीं, तुमको पता है स्क्वाड देख कर ही सर भाई, नो ऑब्वियस जगह है ये, कर दे कि इस तरह भाई मेरा पोज ही नहीं मालूम होना चाहिए बस। अरे वो तो स्मोकी तो हिल रहा है कब से, ठीक है स्मोकी भी भरा, एग्री कर लिया मैंने कि चलो ये भी बहुत हिल रहा था, इसके गांड में भी बहुत मस्ती थी, तो नेड आ गया, सब पता चल गया उनको पोज ही। अब ये देखना यहाँ पे आके ये लोग लूटते हैं, फिर इनका मूवमेंट देखना, फिर लेट गया लो नेड है कैदी, नहीं पता ना यहाँ पे गिल बोलता है कि नहीं पता उनको, चलो चलो अभी जोन देखो भाई, जोन देखो, जोन जोन देखो, 790 मीटर, 790 मीटर जोन है, जोन चालू हो चुका है आना, मैं जोन के अंदर भी नहीं हूं और 800 मीटर दूर जाना है जोन में। बंदे देखो, बंदे देखो क्या करते हैं भाई, देखो बंदे गए पीछे, पीछे गए, अभी एक बंदे की पोजी देखना, रहने दे रहने दे, अभी भी एक बंदा ऑरेंज घर में है, और ऑरेंज घर में देखना अभी वो क्या करता है, देखो अभी दौड़ा वैसे चूक, देखो अभी भी वो इधर ही बैठा है, क्यों, अरे बहनचोद इधर क्यों बैठा है, अगर यहाँ पे मैं पॉज कर रहा हूं, मैं को एक चीज जाननी है, कोई भी टीम हो, कितनी भी अच्छी टीम हो, वो एक बंदे को कभी इतनी शिद्दत से नहीं ढूंढेगी, अगर जोन आ रहा है ना वो जोन में जाने की कोशिश करेगी, बहनचोद इतनी शिद्दत से कोई भी टीम एक बंदे को नहीं ढूंढती है जितना वो कर रहे हैं, वो अभी भी रुके हुए, जोन आ चुका है, मेरे को टच होने वाला है, देखो मेरे पीछे से गाड़ियां जा रही है, सब रोटेशन दे रहे हैं, अगर फिर से पॉज दे रहा हूं, अगर तीन बंदे किसी टीम के मर चुके हैं ना वो वापिस जाएंगे भाई, यार आगे देखो, आई वाले अच्छा खेलते, ठीक है आगे देखो भाई, देखना अभी अभी देखना, मैंने कोई मूवमेंट नहीं दिए, मैंने कोई फुटस्टेप्स नहीं दिए, मैंने कुछ सुनाई नहीं दिया, ठीक है देख टीपी प्लेयर है, एक बंदा टीपी प्लेयर है, फर्स्ट फ्लोर पे टीपी ले रहा है इस तरफ को, तेरी तरफ को, नाइस। अब देखो पीछे से गाड़ी आ रही, पीछे से गाड़ी आ रही, अभी देखना कैसे आएगी, अरे जो टीपी ले रहा है भाई, सिंपल दिख रहा है, लोल वो देख, वो देख, वो देख, वो देखो मेरी तरफ एम कर रहा है, नहीं अब स्क्वाड हाउस पे ठोकेगा, अभी बता दो बहनचोद, ईएसपी है, ईएसपी है, अभी बता दो भाई, हिला तक नहीं, गेस करके ठोक दिया तो उस तरफ ही देखना, अरे 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 वो छोड़ना, पता चल गया, मैं बोलता हूँ ईएसपी नहीं होगा, चलो ड्रिंक साउंड सिंपल, वाह बहनचोद वाह, इतना इतना दूर का, इतना दूर का ड्रिंक साउंड, वाह कुछ भी बहनचोद मतलब। और मैं दूसरा एक चीज बताता हूँ कि चलो ईएसपी नहीं भी होगा मैं मान लिया, बट स्ट्रीम स्नाइपिंग भी हो सकता है, स्ट्रीम स्नाइपिंग का भी मैं बोल रहा हूँ, तो भाई भाई तुम इतने बड़े टूर्नामेंट में तुम ये सब क्यों मैच उधवा रहे हो अपनी, या तो ईएसएल वालों को इसके ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहिए, अब वो भी बोल सकते हैं स्ट्रीम स्नाइपिंग भी हो सकता है, बट नहीं कर सकते ना तुम, कर ही नहीं सकते ना तुम, कितना डिले था यार, कितना भी डिले हो तुम टूर्नामेंट को स्ट्रीम स्नाइप कैसे कर सकते हो, ये तो प्रूफ है सीधा साधा, टूर्नामेंट को भी सीधी सी बात है, तो भाई मैं उनको एक्यूज नहीं कर रहा ईएसपी के लिए, बस ये मेरे को जानना यहाँ पे था गया भाई, और ईएसएल वाले अगर कुछ एक्शन लेना चाहते तो प्लीज ले भाई, क्योंकि ये जरूरी है।
आज क्या हुआ वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ. हम जब प्लेन से उतरे तो हमको ऑफकोर्स पता थी कि गॉर्डन हमारे साथ ड्रॉप पे फाइट होगा. तो हमें एक हवा में, जो हवा में ऊपर था, आदि ने कॉल, म्यूज भाई ने कॉल दे दिया था कि एक बंदा हवा में है जिसको आदि ने डीगल से मारा, पर लगा नहीं, वो उतर गया ट्राइंगल पे. एंड उसके बाद उतरने के बाद म्यूज भाई ने कॉल दिया कि एक बंदा तुम्हारे साथ उतरा था. तो ऑफकोर्स मेरे को एंड क्रूसीफर को पता चल गया कि हमारे साथ एक उतरा है. मैं जब लूट रहा था तो मुझे उसका साउंड आया पीछे घर में. मुझे कंफर्म नहीं पता था वो कहाँ है. मैंने कहा भी कि शायद ऊपर लेटा है, लेकिन जब हम अंदर गए तो गिल ग्राउंड फ्लोर पे लेटा हुआ था. हमने गिल को वहां से क्लियर करके आगे मूवमेंट दिया. पीछे बंदा, पीछे पीछे, किधर? एकदम पीछे आती क्रूसी हमारे पीछे. आजा 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 यार. हाँ बंदा है, आजा. टेबल गन होते एक ले ले. एक ही है, एक ही है. दो बंदे इधर हैं, ठीक है. 345 से दूर अक्रसी. तुम्हारे पास जो है उस पे चढ़ते हैं. मैं भी आ रहा हूँ, ठीक है. ऊपर लेटा है, ऊपर लेटा है. रुकना रुकना. हाँ नाइस, इजी. तो जैसे हमने गिल को मारा, हमको आदि ने कॉल दिया कि एक बंदा गैराज बिल्डिंग के पास उतरा था. मैं और क्रूसीफर आगे बढ़े, गैराज बिल्डिंग के पास देखा, वो लूटेड थी लेकिन कोई था नहीं. हमारे आदि एंड म्यूज भाई ऑलरेडी सेंटर में उतरे थे. एंड हमने एक बंदे की लोकेशन हमको ऑलरेडी पता थी कि वो ट्राइंगल उतरा है. अगर म्यूज भाई एंड आदि सेंटर में आए एंड बिग हाउसेज भी हमने वहाँ पर चेक कर लिया था, तो वो बंदा पीछे आएगा नहीं और म्यूज भाई की तरफ जाएगा नहीं. उसकी मूवमेंट होगी वहाँ से ट्राइंगल से सिक्स हाउसेज की तरफ. तो बेसिकली ये लोग कहाँ चले गए, स्क्वाड हाउस पे. और एक बंदा लॉस होने के बाद हमें पता था कि अब ये लोग डिफेंसिव खेले गए, या तो ये चर्च पे हो गए या तो ये स्क्वाड हाउस पे हो गए. ये हमको इन्फो थी, इनके स्ट्रेटेजी हमने देखी थी. तो इसके बाद हमारी मूवमेंट अब शांत सामने इस घर में देख रहे हो. मेरे को इधर 10 साइड दो बंदे लूटते हुए दिखे थे. अरे मेरे को लगता है वो हस्तर चर्च चला गया, पता है चर्च ही हो गया होगा. मैं भी इधर से बच के रहो. चेक कर लिया पूरा. उसके बाद मुझ भाई का कॉल आया कि अपन को 6 हाउसेस मूव करना है. तो पिछले कुछ टूर्नामेंट में हम लोग को पता है कि जब भी इनका एक बंदा डाउन होता है तो ये लोग थोड़ा डिफेंसिव हो जाते हैं. या तो इनका एक बंदा चर्च जाता है या तो स्क्वाड हो जाता है. और हम लोग को उस समय चर्च से कोई एंगल नहीं था, समय पड़ सकती थी. इसलिए मुझ भाई ने बोला स्क्वाड हाउस से बच के आना. तो हम लोग उसके बाद स्क्वाड हाउस के एंगल से बच के 6 हाउसेस मूव किए. उसके बाद एक बंदा गॉडल का हमारे बंदे को 1 HP किया. उसके बाद हम उस पे बंदे पे चढ़ के उसको मारे. फिर राइट वाले ब्रिक हाउस से एक बंदा वॉल्ड आउट करने के साउंड आ गया, तो हम लोग उस पर चढ़ने की कोशिश किए. बट वही डर से कि स्क्वाड हाउस में कोई होना हो, हम लोगों ने उसको नेट से मारा. उसके बाद हम लोग आगे आए, उसको फिनिश किया, हमने उसको लूटा भी. ये इधर ही गंदली छोरी है मेरे आगे. ठीक है, इस रूम में. आगे बाजू चलो चलो चलो. एक स्क्वाड है, एक इधर ही फुट से करी स्क्वाड से कवर मिलेगा उसे. दिख रहा है मुझे इधर आगे स्क्वाड पे कोई नेट नेट पुल किया. नेट पुल किया है ब्रोकन वाला. मैं राइट से जा रहा हूं. रुको रुको रुको, देखो ब्रो इससे ना पड़ जाए बस. ओपी पड़ोस पड़ी थी क्या पक्का? मेरे को तो नहीं पड़ी. स्मोकी को फिनिश करने के बाद हमें ये कन्फ्यूजन था कि स्क्वाड हाउस से कवर फायर आया नहीं आया. फिर हमने उसे जाके फिनिश किया
और हम लोग आराम से लुटे। आप लोग ये सोचो ना कि अगर हम ESP यूजर होते तो इतना खुले में तीन बंदे क्यों लेटते स्क्वाड उसके एंगल पे। और इतने में, इतना खुले में भाई हस्तर नहीं कोई भी होता, मतलब कोई क्लासिक प्लेयर जो इतना अच्छा से नहीं खेलता वो भी एक स्प्रे में तीन बंदे ले जाता, उतना इजीली बगल बगल में बैठ के लूट रहे थे हम। और फिर हमें फिर भी शक था, लेकिन हम लोग निकल रहे थे, जोन का कॉल आया कि जोन आ रहा है निकलते हैं। तो फिर मैंने एक बंदे को कॉल दिया नियो को कि तुम इधर ही रुकना स्क्वाड हाउस से, अगर कोई कैंप कर रहा है तो निकल के भाग ना जाए, हम लोग गाड़ी लेके आते हैं, जाते जाते स्क्वाड हाउस पे चेक करके जाएंगे। और जैसा कॉल आया था मुझ भाई का कि अपन लोग स्क्वाड हाउस जा जा जाके चेक करके आएंगे, हम लोग उसका गाड़ी लेके वहाँ पर रुके हम तीन। उसके बाद हमने नीचे से पूरा अच्छे से चेक किया फ्लोर, उसके बाद हम लोग ऊपर गए। ऊपर जाके मुझ भाई पैनक रूम में चेक किए, क्रूसीफर ऊपर वाली रूफ पे गया, और मैं बालकनी में गया। बालकनी में हस्ता लेटे हुए थे और मैंने वहाँ पे उन्हें मार दिया। स्क्वाड हाउस छोड़ दो एंगल। नहीं नहीं होल्ड करके रखो, होल्ड करके रखो, हम गाड़ी लेके आएंगे, स्क्वाड हाउस चेक करते हुए जाएंगे। कहीं बाइक चलती है, अपना बंदा कोई बाइक चला रहा है। आदित्य को डरा जाओ, पुश करो, पुश करो। दो बंदे हैं तो हाँ एक दे दूंगा मैं, आदित्य फिल कर। कोई है? चेक करते हैं, तो पता नहीं फुटस्टेप तो है नहीं, ध्यान से देखना। जाओ जाओ सीधे ऊपर जाओ जल्दी जल्दी। ओ भाई भाई देखो, कैरी अपना भाई है, कोई दिक्कत नहीं। आदित्य अपना छोटे भाई जैसा है, कोई दिक्कत नहीं। हम दोनों ने मेहनत देखी है सबकी, मैंने देखा हूँ, मैंने लॉन्डो को बनते हुए देखो, मैंने कैरी को प्लेयर बनते हुए देखा है, आदित्य को प्लेयर बनते हुए देख रहा हूँ। तो भाई मैं बोलता हूँ लॉन्डे मेहनत करके आए हैं आगे, ये मेरा स्टेटमेंट है, ठीक है। तो भाई ESP वाली सब बकचोदी है, मैं भी कभी गुस्से में बोलता हूँ भाई क्या चूतिया हैक कर रही है वो, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। रेज में हो जाता होगा वो, रेज में बोल दिया हो, ऐसे कोई इशू नहीं है, बट यस आई वाले लेजिट है। आर यू गाइस आई हैकिंग? नहीं, नथिंग लाइक दैट। कैरी ने उनका पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया, नथिंग लाइक दैट ब्रो। इधर द फुल खत्म। वो आई वाले लेजिट बंदे, वो कैरी को बाद में रियलाइज हुआ, वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी आई और कैरी की, वो क्लियर हो गई है गाइस, चिल मारो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो आई वाले लेजिट बंदे।